Shining World. Asian producer number one. SMS one. Hello friends, कैसे हो? हमारे फ्रेंकी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल हैंग हो या तो फिर स्लो चलता हो तो क्या करना चाहिए। आपके मोबाइल में दिन में 5 बार 10 बार ये भूल करते हो जिससे आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। इससे आप बोलते हो कि मेरा फ़ोन चलता नहीं है, स्लो हो गया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप एक भूल बताता हूँ और ये भूल सब लोग करते हो। जो बोलता है कि मैं ये भूल नहीं करता हूँ तो वो मुझे नीचे कमेंट करे। आप लोग मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद आप फिर टास्क मैनेजर में जाकर वो सारी एप्लीकेशन फटाफट क्लियर कर देते हो। आप आधा घंटा में एप्लीकेशन खोल के बंद कर देते हो, यानी कि क्लियर कर देते हो। ऐसा करने से आपको ऐसा लगता होगा कि आपका मोबाइल फ्री हो गया है और अब हैंग नहीं होगा। जब आप सब टास्क क्लियर करते हो तो उसकी सभी टेक्स्ट डिलीट हो जाती है, और जब आप वो एप्लीकेशन फिर से खोलते हो तो उसकी सभी टेक्स्ट लोड होती है, फिर आपकी एप्लीकेशन खुलती है। इससे आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। तो आप वो चीज़ मत करिए, वो वैसे ही रहने दो। एंड्रॉयड मोबाइल में अपने आप ही काम करता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि उसका मोबाइल थोड़ा सा स्लो हो जाए तो वो सेटिंग में एप्लीकेशन में जाकर सभी चैट डिलीट कर देते हैं। उसके कारण जब भी आप वो एप्लीकेशन खोलते हो तो उसकी सभी टेक्स्ट लोड होती है, तो इसके कारण आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। सभी लोग ये भूल करते हैं और टास्क मैनेजर में सभी एप्लीकेशन क्लियर करते हैं। वो जैसा है वैसे ही उसको रहने दो, एंड्रॉयड अपने आप बंद कर देता है। जो एप्लीकेशन आप खोलते हो तो वो स्लो में खुलती है, और जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन ही है तो वो जल्दी खुल जाती है, क्योंकि वो खुलने से लोड नहीं होता है। इसलिए ये सब आप ध्यान रखना और एंड्रॉयड को अपने आप ही काम करने दो। आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपका मोबाइल स्लो नहीं होगा और कम्प्लीटली काम करेगा। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा ही कुछ नया नया लाते रहेंगे। तो ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारी फ्रेंकी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है।